लगा के धरना आप सत्र पर जाइए। आइए सभी साथी से निवेदन है कि वैशाली में रॉबिनहुड थानेदार के बाद अब महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी को निलंबित करने की मांग उठ रही है। दरअसल राजा पाकर थाना क्षेत्र में कई नाबालिग छात्रों का अश्लील फोटो खींचकर उन्हें न सिर्फ ब्लैकमेल किया गया बल्कि उनके आधार पर उनके साथ अश्लील हरकतें भी की गई, जिसकी शिकायत परिवार वालों ने थाने में की। बावजूद उसके तकरीबन डेढ़ महीने बाद भी अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिससे आजीज अब इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। सुनिए इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष संजीत कुमार। जनप्रतिनिधियों को फर्क पर आने की क्या नौबत आ गई? जनप्रतिनिधियों को सड़क पर आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा कि महुआ के जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूनम केसरी है, वो उनका फीस हो गया है सोने का कंगन, और वो माध्यम हो गई है ब्यूटी पार्लर। जो ब्यूटी पार्लर में जाएगा, जो सोने का कंगन देगा, जो मोटा रकम देगा, उन्हीं लोगों का कल्याण होगा, नहीं तो निर्दोष लोगों को फंसा फंसा कर जो भी लोग आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ झूठा मुकदमा, इस तरह का 20 मुकदमा ऐसा है जिसको हम लोग मेमोरेंडम में लिखे हैं, डीसीपी साहब को देने का काम करेंगे। झूठा मुकदमा फंसा कर और जेल भेजने का काम कर रही है, जो हत्या का मुकदमा है उसमें नाम निकाल दे रहा है, जो नेचुरल डेथ है उसमें ट्रू कर दे रहा है। इसलिए हम लोगों को मजबूरी में रोड पे आना पड़ा है, और ये आज हम लोग एक दिवसीय रख रहे हैं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग आमरण अनशन भी रखने का काम। इसका शिकायत वरीय पदाधिकारियों को हमने किया है? हाँ, किया गया है वरीय पदाधिकारी को। आप अपना परिचय? संजीत कुमार, सचिव जिला मुखिया संघ वैशाली बिहार। तो सुना आपने, इसको लेकर इनका साफ कहना है कि महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी को नोटों से अधिक लगाव है, इसीलिए उन्हें नोटों की माला पहना दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बिना पैसे लिए ये एक भी केस का अनुसंधान नहीं करती हैं।